हमारे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सहारनपुर जनपद भले ही प्रदेश में एक कोने पर स्थित है, लेकिन हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि खेती बाड़ी का कार्य हो या फिर लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से या फिर यहाँ के उद्यमियों की परिश्रम से सहारनपुर निरंतर विकास के नए मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और यह इसलिए क्योंकि यहाँ का हर नागरिक राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण पथिक बनते हुए विकास के मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है और उसी का परिणाम है कि आज सहारनपुर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 450 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया। मैं इससे पहले भी यहां आया था और लगातार इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से विकास की एक नई किरण हम लोगों ने सहारनपुर को, चाहे वह सड़क कनेक्टिविटी का हो या फिर रोड कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली के साथ सहारनपुर का सीधा जुड़ाव हो, दिल्ली की दूरी 6 घंटे नहीं बल्कि सहारनपुर से 2.5 घंटे में पूरी की जा सके, इस दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास जो प्रारंभ किया गया है वह इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने विकास को पसंद किया है। सहारनपुर का एयरपोर्ट हवाई सेवा के साथ देश और दुनिया के साथ जुड़ जाए, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है और सहारनपुर वासियों को, यहाँ के नौजवानों को, हमारे छात्र छात्राओं को अपनी डिग्री कोर्स के लिए कहीं और न जाना पड़े, हम लोगों ने तय किया है कि सहारनपुर में ही हम एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी करेंगे, जिससे सहारनपुर वासियों को एक नया सम्मान प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की वे योजनाएं जो आजादी के बाद से लगातार सहारनपुर वासियों के मन में एक लालसा थी कि हमारा भी विकास होना चाहिए, हमारी माँ शाकंभरी धाम का, शक्तिपीठ का भी विकास होना चाहिए, दिल्ली से और प्रदेश के अन्य कोनों में, राजधानी लखनऊ में जाने के लिए हमारे पास भी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, इन सब कार्यों को लेकर के जहां आजादी के बाद से यहां के लोग निरंतर परेशान रहते थे, कोई सुनता नहीं था, हमारी सरकार ने आने के बाद केंद्र में आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से दिल्ली और सहारनपुर की दूरी को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास प्रारंभ किए और यहां पर दिल्ली से जोड़ने के लिए सहारनपुर की इस कनेक्टिविटी को जहां बेहतर बनाने का कार्य किया, वहीं सहारनपुर के लिए एयरपोर्ट फंक्शन में आ जाए, हम लोगों ने अपना पूरा प्रस्ताव तैयार करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय भी बने, हमने इसके लिए प्रदेश के बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है और जिला प्रशासन से कहा कि जमीन का प्रस्ताव भेजिए, सहारनपुर में हम लोग इस कार्य को संपन्न करेंगे।